तो मैं शुरू कहाँ से करती हूँ? दरवाजे से शुरू करती हूँ। तो ये रहा मेन डोर। जैसे ये मेन डोर से आते हैं तो उसके लेफ्ट में इस तरह से ये हमारे बच्चों के बास्केट, दानिश के जूते, और ये कैबिनेट दिया है टीवी का। तो हमने हमारा जो भी खाने पीने का था इस तरह से रखा है। और ये टीवी है, और यहाँ मैंने सब बच्चों का खाना रख दिया है रात के लिए इस तरीके से। और ये मेरा टिश्यू पेपर है, और ये मैं हूँ। तो ये खूबसूरत सा बड़ा सा आईना दिया गया है, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा आईना दिया एक बड़ा सा। उसके बाद से वही लेफ्ट होकर दरवाजे से वैसे वैसे वही लेफ्ट हाथ से सीधा आएंगे तो यहाँ टॉयलेट बाथरूम है। फिर उसके बाद ऐसी दीवार से जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर है एसी। फिर उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत से फ्रेम है। और ये रहे दानिश। हमने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि हम इस तरफ पैर नहीं कर सकते, इसके लिए हमने तकिए की साइड जो है हमने चेंज कर ली है। हमने तकिए की साइड वो कर ली और इस तरफ पैर करेंगे। और यहाँ खूबसूरत सी बालकनी है। रूम ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है स्पेस, जगह है। यहाँ खूबसूरत ऐसी बालकनी है, और साथ में एक छोटा सा मस्त ऐसा वार्डरोब दिया गया है देखो, जिसके अंदर मैंने, और ये रही हमारी बैग, और ये रहा पोच, और इसके अंदर मैंने हमारा सामान भी लगा दिया है। नीचे मैंने कुछ नहीं रखा है, नीचे कुछ भी नहीं रखा है, जितना भी है सब ऊपर ही रख दिया है। देखो लल्ला गया, देखो, चलो लल्ला, चलो 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 बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी। अले ना आते, उसको मारते ने पापा तो। और रे दानिश, और अभी मैं कुछ भी टाइम पास नहीं करूंगी, जो भी है सब फटाफट फटाफट सब करके सो जाना है। अच्छा लग रहा था ना आज का दिन, इतना मतलब फास्ट चला गया, कैसे चला गया पता भी नहीं चला है। चेहरे पे नींद साफ साफ बहुत ज्यादा दिख रही है, तो अभी ज्यादा कुछ भी नहीं करूंगी। लल्ला ना यहाँ पे घूम रहा है, और अभी मेरी सब फटाफट चीजें निकाल लेती हूँ। बाकी तो मैंने निकाल लिया है, बस थोड़ा बहुत बचा है। लल्ला लल्ला, गिरेगा मोबाइल, गिरेगा मोबाइल, गिरेगा पापा। एक फटाफट इसको निकाल देती हूँ, तो आंख में नींद देखो कितनी ज्यादा आई है। पापा 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 पापा, टूट जाएगा सब। और यहाँ बस नीचे ड्रॉवर भी दी गई है, लल्ला मोबाइल गिरेगा। मोबाइल क्विकन लल्ला, देखो क्या चला इसका ड्रेसिंग टेबल पर बैठ के। कहाँ चलो, को चलो, को ओ इतनी बात कर रहा है लल्ला, इतनी बात कर रहा है। ये यहाँ पे ना एक अच्छा सा ड्रॉवर भी दिया गया है जिसमें मैंने मेरा सब सामान रखा है। लेकिन देखो लल्ला, मैंने अभी जो भी सब निकाला ना वो सब इसमें रख रही हूँ। चलो अभी मैं कल सुबह मिलूंगी इंशाल्लाह। कल क्या, आज ही बोलना चाहिए, आज सुबह मिलूंगी इंशाल्लाह। बहुत नींद आई देखो मेरी आंखें। ना लल्ला सोएंगे ना, लल्ला सोएगा ना अच्छे से, मेरे को परेशान नहीं करेगा ना। अभी सो जाएंगे सब, हो गया सबका सोने का टाइम, हो गई चू। लेकिन जब तक मैं इनको साथ में सोने के लिए नहीं लेती, मुझे नींद नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये है, वो सोने के लिए जब तक मेरे पास ही आएंगे ना, मुझे नींद नहीं आती है। छोनी चलो सोने को, चलो चलो आ जाओ छोनी को, लल्ला अब्बा पास सोने के लिए जाओ, जाओ जल्दी अब्बा पास। बंगड़ी पहनने को ठीक लगता है, उतारना बहुत मुसीबत का काम होता है ना लल्ला। और चलो सोएंगे, हाँ
सुबह हो चुकी है, मैं अभी नहाई हूँ और यहाँ रूम का एक बात बहुत अच्छी लगी, ये देखो बस तो धूप आ रही है गैलरी से डायरेक्टली रूम में आ रही है, और दूसरी बात रूम सर्विस एकदम थर्ड क्लास, इतनी गंदगी है, हम आए तब इतना सब देखा नहीं, पता नहीं चला। सिर्फ रूम देखा, हाँ बहुत अच्छा है ऊपर से, लेकिन जैसे कि अभी नीचे से इसके काफी सारी जगह वगैरह है तो इतनी गंदगी है। अभी ये कबर्ड ऊपर गंदगी है, वहां एक ना पॉट है, वो हरा वाला पॉट दिख रहा है, वो इतना गंदा है। मेरे बच्चे में लेकर आई तो नहा के इतने अच्छे फ्रेश करा के लेकर आई, और ये बेड के नीचे वगैरह बच्चे चले गए, वो सब गंदे हो चुके हैं, क्या कहूं। तो सर्विस जो है खास करके रूम की वो बहुत बेकार है, गंदगी है सब कुछ, तो वो बहुत बेकार लग रहा है कि देखकर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम भी तो थोड़े टाइम के लिए किए थे, इसके लिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात टीवी तो यहाँ शो के लिए है ना, उसमें रिचार्ज है ना, लोग यहाँ रूम में रिमोट तक नहीं देते है, वो लोग अपने पास मतलब वहां पे रख देते रिमोट, क्यों दानू। देखो मैं दानिश को वही बोली कि तुमने कैसा रूम लिया है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह से, दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, माला माल रखे और अपने अमान रखे, आमीन आमीन सुमा आमीन। रूम के बारे में बताओ कैसा है रूम का, तुम पूछो मत। हमने देख के लेना चाहिए था, है ना। उसमें क्या है, दानू को तो सब जैसा के वैसा लगता है ना, जिधर खींची उधर, उसको हिसाब से तो बात बैठती नहीं ऐसी वैसी। मेरा क्या कहना है कि हम पैसे देते हैं ना पूरे, मतलब इस तरह से एक होटल रूम के पैसे देने चाहिए, तो पैसे देते हैं तो फिर वैसी सर्विस भी होनी चाहिए। अगर वैसी तुम लोग सर्विस नहीं दे सकते ना, तो तुमको वो राइट नहीं है उतनी, मतलब जो अमाउंट है वो लेने का। डिस्काउंट दे दो कि तुम्हारे पास ये नहीं है, ऐसा है वैसा है, सही ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर हमने सोचा कि जाने दो। मैं जैसे ही सोने के लिए गई ना, तो मैं बच्चों को देख रही थी, तो मैं नीचे देखने के लिए गई बेड के, तो इतनी गंदगी। फिर बाद में वो कबर्ड भी देख, मैंने फिर चेक करना स्टार्ट किया, जैसी गंदगी दिखी तो हर जगह बस गंदगी ही दिखी। बाथरूम में टॉयलेट का फ्लैश तक काम नहीं करता है, आपको बाल्टियां उठानी पड़ती है। बहुत बेकार है, लेकिन अगली बार से तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, सब कुछ चेक करके लेने का, क्योंकि फ्री तो अपन रहते हैं नहीं, तो फिर हर सर्विस मिलना जरूरी है। जब मुझे गंदगी दिखी ना, उसके बाद मैंने सब चेक करना स्टार्ट किया। मेरी मेहंदी का भी कलर आने स्टार्ट हो चुका है, मैं हो गई हूँ तैयार। ऐसी लग रही हो, बाल मैंने बनाए नहीं, ये बाल ऐसे ही रख के जाऊंगी, वहां जाके फिर बाल बना के ना हो जाएगा। और इस तरह से फुल लुक कैसे दिखाऊंगी वो मैं वहां जाऊंगी तब करूंगी सब, लेकिन ये मेरा कलर, ये मैंने वन पीस लिया था, वो है तो इस तरीके से बहुत मजा आया। दानिश देखो, दानिश माशाल्लाह, कलर देखो, कलर कपड़े देखो, माशाल्लाह मैचिंग देखो, मैचिंग देखो। उठो उठो, जरा खड़े रह के बताओ ना। अब हो गए हम तैयार तीन शादी में जाने के लिए। एक दो देखा तीन, तो तीन नहीं चार, चलो मंगलम शुभम शुभ मंगल सावरा लग्न गटी तत्समी नवरा घेवनिया वागरा गृह तो मधुपर जन करा अंतर पाट दे दरा दुष्ट वधुवरान करणे दोगे करा मीयुमी वाजन थी बहुगल बलन करणे कुरिया सदा मंगलम शुभ मंगल सावधा ಸಾವಧಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿಂತನ ಶುಭ ಮಂಗಲ ಸಾವಧಾನ
तुम्ही सावधान तुम्ही सावधान तुम्ही सावधान वाजवून सावधान ब्रह्मदेवाची काही वाजवून हार वगैरे आले का?